नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनुवाणी 1920 में। और रोजाना की तरह मैं मनु हाजिर हूं आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि आप अचार देखते हैं या अचार खरीदते हुए देखते हैं या अचार बनाते हुए देखते हैं या अचार खाते हुए देखते हैं या अचार किसी को दूसरे को खाते हुए देखते हैं, या आम का अचार हो आपका, नींबू का अचार हो, चाहे कटहल का अचार हो, चाहे मिर्च का अचार हो, या मतलब कहने का मित्रों किसी भी चीज़ का अचार हो, चाहे नींबू का अचार हो, चाहे जो कुछ भी अचार, जिस चीज़ का भी अचार हो, चाहे आप खा रहे हो, किसी को दे रहे हो, या आप बना रहे हो, या आप खरीद रहे हो, मतलब मित्रों सपने में किसी भी तरीके से यदि आप अचार देख रहे हैं तो सपना देखना देखने वाले जातक और जातिका दोनों के लिए ही अशुभ बताया गया है। दोस्तों, भारतीय स्वप्न ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जिस भी जातक या जातिका ने सपने में किसी भी चीज़ का आचार देख लिया है या खा लिया है या किसी को दिया है या खरीदा है या बेचा है, तो मित्रों यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आप आने वाले समय में बीमार पड़ सकते हैं, आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आप खुद को शिथिल महसूस करेंगे। तो मित्रों, यदि आपने सपने में खुद को ऐसा करते हुए देखा है जो भी मैंने बताया, तो आपको करना क्या चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाना चाहिए, यानी कि कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि आप बीमार पड़ सकते हैं। और मित्रों, इस सपने को देखने के बाद आपको इस सपने को सुबह उठकर अपने सगे संबंधियों में बता देना चाहिए, क्योंकि मित्रों सपने को बता देने से क्या होता है, इसका जो प्रभाव होता है वो कम पड़ जाता है, और बुरा सपना हो तब तो अवश्य ही बता देना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही आप तक पहुँच सके। और यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है, आप किसी ने सपने का मतलब जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम आपके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर भी शीघ्र ही देंगे। जय श्री राधे मित्रों, भगवान आप सबका भला करे।